हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9th हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ़ द कॉर्ड्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा देखेंगे। इस तरीके का या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में किया था। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक सर्किल का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, सर्किल का फॉर्मेशन करेंगे साइड में। ठीक है, कह रहा है दो कॉर्ड्स हैं जिसकी लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और दोनों सेंटर के सेम साइड पे हैं, ऐसा भी कहा गया है। इफ द कॉर्ड्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के सेम साइड पे हैं, यानी अगर एक कॉर्ड इस साइड है तो दूसरी कॉर्ड भी इधर ही होगी। अब जाहिर सी बात है, देखने में ही लग रहा है कि ऊपर वाली कॉर्ड की लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको आप ए बी मान लीजिए, जिसकी लेंथ कितनी है क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितनी है 10 सेंटीमीटर। छोटी वाली की लेंथ कितनी है, सी डी की, सी डी की लेंथ कितनी है ज़रा बताइए, 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आप सेंटर ओ से, ये सेंटर ओ है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ए बी और सी डी दोनों पे। क्या ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको आप ई पॉइंट मान लीजिए, इसको आप एफ पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, आपको ई एफ का डिस्टेंस भी दे दिया गया है। ई एफ का डिस्टेंस कितना है ज़रा देखिए, 3 सेंटीमीटर। कितना है, 3 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, आपको डायमीटर पता करना है। डायमीटर पता करने के लिए जाहिर सी बात है रेडियस पता करेंगे, फिर उसका डबल कर देंगे तो डायमीटर पता चल जाएगा। देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे इसको सॉल्यूशन। ठीक है, समझेंगे थोड़ा। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने कंस्ट्रक्शन किया है कुछ, तो आप उसको यहाँ भी लिखेंगे सी ओ एन एस। सी ओ एन एस का मतलब कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे देखिए, ज्वाइन ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ओ ए और ओ सी को ज्वाइन कर देंगे। और आपने क्या किया है, और आपने बनाया है ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और क्या बनाया है आपने, और आपने बनाया है ओ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी ये बात। अच्छा, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, ओ ए और आपने ओ सी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा अब समझेंगे, ओ ई ओ एफ को आप क्या मान लीजिए, ओ एफ को आप एक्स मान लीजिए कुछ देर के लिए। क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो आप ओ ई को क्या लिख सकते हैं, ओ ई को क्या लिख सकते हैं, ओ एफ प्लस एफ ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओ एफ प्लस एफ ई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ओ एफ आपका एक्स है, ऊपर देखिए मैंने माना है। एफ ई क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ ई क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 सेंटीमीटर, यानी ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस एफ ई है और एफ ई आपको कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ओ एफ को एक्स मान लिए, ओ ई कितना हो गया, एक्स प्लस 3। ठीक है, अब देखिए, अब हम ट्राइंगल ए ओ एफ और सी ओ ई में एक साथ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ एफ, ठीक है, एंड ट्राइंगल सी ओ ई, क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग पी टी। पी टी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, समझ में मेरी बात। अच्छा, ए ओ एफ, ए ओ एफ ट्राइंगल आपका ये वाला है, इसमें हाइपोटेनस क्या होगा, ए ओ होगा, बेस क्या होगा, ए एफ होगा, और आपका जो है परपेंडिकुलर क्या होगा, ओ एफ होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए ओ एफ के केस में हाइपोटेनस क्या होगा, ए ओ होगा, तो हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या होगा आपका, ए एफ होगा, तो हो जाएगा ए एफ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा, ओ एफ होगा। सी ओ ई के केस में देखिए,
आपका हाइपोटेनस सी ओ हो जाएगा, तो हो जाएगा सी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस क्या होगा आपका सी ई हो जाएगा, तो हो जाएगा सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका होगा ओ ई, तो ये हो जाएगा ओ ई का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको सब चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए ओ, ए ओ का मतलब रेडियस है, तो इसी यही को तो हमें पता करना है। ए एफ का स्क्वायर, ए एफ, ए बी की लेंथ कितनी दी है, बड़ी वाली कॉर्ड की लेंथ कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो ए एफ क्या होगा, ए बी का आधा हो जाएगा, 10 का आधा करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ओ एफ कितना माना था आपने शुरुआत में, एक्स माना था, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए सी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई, सी ई जो है सी डी का आधा होगा, सी डी मतलब छोटी वाली कॉर्ड, छोटी वाली कॉर्ड की लेंथ कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, उसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर प्लस ओ ई, ओ ई देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है एक्स प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा ए ओ और सी ओ तो सेम चीज़ है, ए ओ और सी ओ तो सेम चीज़ है, क्यों सेम है, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, तो दोनों का स्क्वायर भी क्या होगा सेम होगा, जाहिर सी बात है, अगर 5 और 5 दोनों सेम है यानी दोनों इक्वल है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा सेम होगा, दोनों तरफ 25 आएगा, तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको क्या मान लें इक्वेशन 2 मान लें, यहाँ पे लिख दें ऑन कंपेयरिंग या ऑन इक्वेटिंग कुछ भी लिख सकते हैं आप, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने के बाद, इसको इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने के बाद देखिए आपको मिलेगा क्या, थोड़ा इस बात को समझिए, आपको मिलेगा देखिए आपको क्या मिलेगा, आप यहां लिखेंगे 5 का स्क्वायर, अच्छा सॉरी 5 का स्क्वायर नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं, 5 का स्क्वायर 25 होगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस, अब यहाँ पे देखिए इसको मैं ओपन कर देता हूँ, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे तो वो एक्स स्क्वायर ही आएगा, 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो वो 9 आएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, 2 इंटू एक्स इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि चाहे आप एक्स स्क्वायर को ये वाले इस साइड शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो वो भी 0 आएगा। ठीक है, चाहे ऐसे काट दें, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 जब आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो 25 से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 25 से जब 13 माइनस होगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, इज इक्वल टू कितना आ गया 6x, 6 क्या होगा 12 के डिनोमिनेटर में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट काट दीजिए, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, अच्छा जब x की वैल्यू आ गई, समझिएगा जब x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमसे x की वैल्यू तो पूछा नहीं, हमसे रेडियस पूछा है, सॉरी हमसे डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर के लिए हमें पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, तो ये जो x की वैल्यू 2 आई है, समझिएगा जो x की वैल्यू 2 आई है उसको उठा के आप यहाँ पे पुट कर देंगे, किसमें क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, किसमें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, किसमें इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ए ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 और 4 मिलकर हो जाएगा 29, ए ओ पे स्क्वायर हटेगा 29 पे अंडर रूट लग जाएगा, तो यानी ए ओ यानी आपका रेडियस कितना आ गया 29। ठीक है, आपको चाहिए क्या, आपको डायमीटर चाहिए, डायमीटर होता कितना है 2 इंटू आर होता है, यानी 2 इंटू 29 कर देंगे अंडर रूट 29, तो आपका आंसर कितना आएगा 2√29 सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए डायमीटर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई अच्छे से, ओके चलिए आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसको कैसे करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा, ये आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए, कह रहा है ए बी सी इज एन आइसोसेलीस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब देखिए यहाँ पे एक स्पेशल लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है,
वो लफ्ज़ या वर्ड है कौन सा? इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है किसी सर्किल के अंदर कोई फिगर का फॉर्मेशन। सर्किल के अंदर अगर कोई फिगर बना होगा तो हम उस फिगर को कहेंगे वो फिगर सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। लेकिन अगर किसी फिगर के अंदर सर्किल बना होगा, आगे शायद आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिले, शायद इस क्लास में मिले या तो क्लास 10th में मिले, तो उसको हम एक स्पेशल लफ्ज़ से डिनोट करते हैं जो होता है सरकमस्क्राइब्ड। दोनों वर्ड बहुत कंफ्यूज करते हैं, इस वजह से समझ लीजिए। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? सर्किल के अंदर कोई और फिगर बना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? इंस्क्राइब्ड। लेकिन अगर किसी फिगर के अंदर सर्किल बना हो तो उसको हम कहेंगे सरकमस्क्राइब्ड, ठीक है। चलिए, फिलहाल यहाँ पे सर्किल के अंदर कोई फिगर बना है, और क्या बना है? आइसोसेलीज ट्रायंगल बना है। तो देखिए, आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। कंसेप्चुअल तो बहुत है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही कंसेप्चुअल हैं, लेकिन है सब आसान, सब में पाइथागोरस थ्योरम ही घुमा फिरा के इस्तेमाल होगा। सबसे पहले क्या करेंगे आप? एक सर्किल का फॉर्मेशन कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके अंदर क्या करेंगे? सेंटर ओ मान लीजिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या दे दिया गया? आपको एक आइसोसिलीज ट्राइंगल दे दिया गया है। क्या दिया गया है? आइसोसिलीज ट्राइंगल। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। अच्छा, ए बी और ए सी कितना दिया है? 12√5, 12√5। बी सी आपको कितना दिया है? बी सी आपको कितना दिया है, ज़रा देखिए। बी सी आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। आपसे रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, आप बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, आप जो है ए से एक लाइन ड्रॉप करेंगे, ए से एक लाइन ड्रॉप करेंगे जो सेंटर से होते हुए जाएगी और बी सी को कहाँ पे टच करेगी? बी सी को डी पे टच करेगी, और जो कि परपेंडिकुलर होगी बी सी के, ठीक है। ये आपको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप ओ बी, जाहिर सी बात है रेडियस को तो हम हमेशा मिलाते हैं, और ओ सी को आप जोड़ देंगे। चाहे आप ओ बी को भी जोड़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात? अच्छा, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। आप लिखेंगे सल्यूशन। क्या लिखेंगे आप? सल्यूशन लिखेंगे। आपने सल्यूशन लिखा, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे फिर कंस्ट्रक्शन, जाहिर सी बात है आपने कुछ कंस्ट्रक्शन किया तो आप उसको भी लिखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपने किया क्या है? ए डी को बी सी के परपेंडिकुलर बनाया है, और क्या ज्वाइन किया है? ज्वाइन आपने किया है बी ओ या ओ बी, ठीक है। आपने ज्वाइन क्या किया है? ओ बी किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, समझिएगा, अब हम बात करेंगे। अच्छा, बात करने से पहले मैं बता दूं, आपका ओ बी क्या है? रेडियस है। ओ ए क्या है? ज़रा ओ ए को ध्यान से देखिए भैया, ओ ए भी तो रेडियस है। बाउंड सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी क्या कहलाती है सर्किल में? डिस्टेंस क्या कहलाता है? सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। तो अगर ओ बी रेडियस है तो ओ ए भी क्या होगा? रेडियस होगा। इस बात को पहले आप लिख लीजिए कि ओ बी और ओ ए आपका क्या है? आर है। आर का मतलब रेडियस है, ठीक है, समझ में आई ये बात? अच्छा, इसके बाद देखिए, ठीक है, ओ ए और ओ बी क्या है? आपका रेडियस है। तो आप समझिएगा, आप जो है ए डी को क्या लिख सकते हैं? ए डी को आप लिख क्या सकते हैं? इस ए डी को क्या लिख सकते हैं? ओ ए प्लस ओ डी लिख सकते हैं। ओ ए प्लस ओ डी क्या लिख सकते हैं आप इस सर्किल में? लिख सकते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा? ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए, तो आर है आपका यानी रेडियस, और प्लस ओ डी, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, समझिएगा। ए बी डी ट्रायंगल और ओ बी डी ट्रायंगल में अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और आपका आंसर आ जाना चाहिए इससे, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी, किस में? इन ट्राइंगल ए बी डी बाय पी टी। पी टी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये चीज़ होगी। एच 90 डिग्री के अपोजिट वाला होता है एच। एच यहाँ पे क्या है? ए बी डी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ए बी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी, क्या है आपका बेस? बी डी है, तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस।
पी क्या है, पी का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। ए बी, ए बी आपको क्वेश्चन में दिया कितना दिया है, 12 अंडर रूट 5, 12 अंडर रूट 5 आपको दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए बी डी, बी डी जो है वो बी सी का क्या होगा, हाफ होगा बाय थ्योरम 1 जो मैंने आपको इस चैप्टर में बताया है। बी सी आपको दिया है क्वेश्चन में 24, तो बी डी कितना हो जाएगा, 24 का आधा यानी कि 12 प्लस ए डी। ए डी देखिए ऊपर से कितना है, आर प्लस ओ डी का होल स्क्वायर, कितना है आर प्लस ओ डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 12 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, एक बार फिर से 12 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर कितना होगा, ज़रा देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, यानी 144 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लीजिए कितना आएगा, कितना आएगा 720 आएगा, 720 आया। 12 का स्क्वायर जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो माइनस का साइन लग जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू आर प्लस ओ डी का होल स्क्वायर। ठीक है, 720 में से 144 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, 11 में से 4 जाएगा बचेगा 7, 6 में से 1 गया बचा 5 इज इक्वल टू आर प्लस ओ डी। ठीक है, समझिएगा आर प्लस ओ डी पे से स्क्वायर हटा, 576 पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। 576 होता किसका है आपको पता होना चाहिए, 24 का होता है, किसका होता है 24 का होता है, तो आर प्लस ओ डी आपका कितना आ गया, आर प्लस ओ डी आपका आ गया 24। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, इतनी चीज़ आ गई ना। चलिए अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल ओ बी डी में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ बी डी बाय पी टी, पी टी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये चीज़ आपका होगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात ये, अच्छा इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, ए बी डी ट्राइंगल, सॉरी ओ बी डी ट्राइंगल में पाइथागोरस क्या होगा, सॉरी पाइथागोरस कह रहा हूँ, हाइपोटेनस क्या होगा, ओ बी होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या होगा आपका, बी डी ही होगा, लिखेंगे बी डी का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा आपका पी, पी क्या होगा ज़रा बताइए, पी आपका होगा परपेंडिकुलर यानी कि ओ डी। ठीक है, ओ बी क्या है आपका, ओ बी है आर, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी आपका क्या है, बी डी है आपका 12, यहाँ पे देखिए निकाला था 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, 12 लिखेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे आएगा 144, ओ डी की जगह आपका ओ डी ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आई, आ गई ना, अच्छा अब देखिए, अब यहाँ लिखा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस ओ डी स्क्वायर, यहाँ पर लिखा था आर प्लस ओ डी इज इक्वल टू कितना आया 24। या तो आप एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ से आर की वैल्यू निकालें, आर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 24 माइनस ओ डी, और उसको उठा के ये वाली जगह पे रख दें, एक काम ये कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से OD की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, OD की वैल्यू निकालें, और जो OD की वैल्यू उठाएगी वो आके यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही काम सेम है, आप चाहे जो कर लें, मैं यहाँ से OD की वैल्यू निकाल लेता हूँ, OD की वैल्यू क्या आएगी 24 प्लस आर को जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 24 माइनस आर। ठीक है, और इसको उठा के यहाँ पे OD की जगह पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस OD की जगह क्या पुट करेंगे, ये चीज़ 24 माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 24 माइनस आर का होल स्क्वायर का मतलब है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, a की जगह पर 24 है, b की जगह पर r है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस r का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 इंटू 24 इंटू आर, और इस साइड क्या है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में r स्क्वायर ही है, तो ये जाएगा r का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे यानी 24 इंटू 24 करेंगे तो आएगा 576 प्लस r स्क्वायर, 2 को 48 से करेंगे साइन माइनस का रहेगा आएगा 48r, 2 को 24 से करेंगे तो आएगा 48r, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 48 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 48r इज इक्वल टू 144 को जब हम क्या करेंगे 576 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 के 0 कैरी लगा 2
कैरी लगा दो, 7 4 11, 11 2 13, 13 के 3 कैरी लगा 1, 5 1 6, 6 और 1 7, 7:30। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 6 4 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, कैरी लगा 1, 7 4 11, 11 और 1 12 होगा, कितना होगा, 12 होगा, वही मैं सोच रहा था। 12 के 2 कैरी लगा 1, 5 1 6 और 1 7, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 720/48। 12 से रिड्यूस कर दीजिए, 12 4 ज़ा 12 6 ज़ा 12 0 ज़ा 4 1 ज़ा 4 15 ज़ा, तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू क्या आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं आसान तो नहीं कहूँगा इस क्वेश्चन को, लेकिन हाँ कंसेप्चुअल है। ठीक है, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी से ले लीजिए। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है इन ई क्यू का मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ई क्यू का मतलब इक्विलेटरल है यहाँ पे, ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, वहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया था, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया है, यानी तीनों साइड इसकी बराबर होगी। तो पहले एक सर्किल बनाते हैं कुछ इस तरीके से, इसका सेंटर होगा ओ, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेंगे सर्किल के अंदर ए बी सी, ए बी बी सी और सी ए कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल बना है ए बी सी, और ए बी सी क्या है, इस बार इक्विलेटरल दे दिया है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इस सर्किल का रेडियस पता लगाना है। सबसे पहले जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हम ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे किस पे, बी सी पे, जो कि बी सी को डी पे आके काटेगा। ठीक है, और वो सेंटर से होता हुआ गुजरेगा, ये हमारी कंडीशन होगी, क्या होगी कि वो सेंटर से होता हुआ गुजरेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, अच्छा इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओ बी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे अपना, कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि आपने ए डी एक लाइन बनाई जो कि बी सी के परपेंडिकुलर है और सेंटर से होती हुई गुजर रही है, और क्या बनाया आपने, ज्वाइन ओ बी, ओ बी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ बी, ओ बी को आपने क्या किया, ओ बी को आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, ओके चलिए इसके बाद देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल ए डी बी, कौन सा ट्रायंगल, ए डी बी लेंगे, उसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे, थोड़ा लिख देता हूँ, ओ बी और ओ ए क्या है आपका, ओ बी और ओ ए रेडियस है, क्या है आपका, रेडियस है ओ बी और ओ ए। ठीक है, क्या है आपका, रेडियस है, ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा ए डी को हम क्या लिखेंगे, ए डी को लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए यहाँ पे क्या है आपका आर है, तो आर प्लस ओ डी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम ट्राइंगल ए बी डी और ओ बी डी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो कर दीजिए, इन ट्राइंगल ए बी डी बाय पी टी, पी टी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, क्या है पी टी का मतलब, पी टी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई आपको, ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ए बी डी ट्राइंगल में एच क्या होगा, ए बी होगा आपका, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी, बेस क्या होगा आपका, बी डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, ए डी होगा। अब हम धीरे धीरे करके इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ए बी आपका क्या है, ट्राइंगल की साइड है, दिया हुआ है 6 का स्क्वायर, बी डी आपका क्या है, बी डी जो है आपका बी सी का हाफ होगा बाय थ्योरम 1 जो मैंने आपको बताया था, बी सी आपका 6 है, बी डी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए डी देखिए आपने ऊपर निकाला है, ए डी कितना है, आर प्लस ओ डी का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 3 के स्क्वायर में से हम क्या करें, 3 का स्क्वायर जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर प्लस ओ डी का होल स्क्वायर,
स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा, 36 माइनस 9 के जो भी रिजल्टेंट होगा, 36 में से 9 या 36 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 27 आएगा, और इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट 27 की वैल्यू होती है 3√3 इज इक्वल टू आर प्लस ओ डी। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके कि नहीं आई? और यहाँ से आप ओ डी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी, 3√3 माइनस आर। ठीक है स्टूडेंट, इतनी चीज़ समझ में आ गई? इतनी चीज़ समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना। अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल ओ बी डी लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ओ बी डी, कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, इन ट्राइंगल ओ बी डी। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओ बी डी ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होगा, ओ बी होगा, तो हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस क्या होगा आपका बी डी होगा, तो हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, ओ डी होगा, तो हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर। ओ बी आपका है क्या, रेडियस है, तो हो जाएगा आर का स्क्वायर। बी डी आपका क्या है, बी सी का आधा, बी सी 6 है, बी डी कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब आपने जो यहाँ पे ओ डी की वैल्यू निकाली है उसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस ओ डी की जगह ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। पहले करेंगे 3√3 का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 और इंटू आर। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आई? अच्छा, हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस 9, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 3√3 का स्क्वायर करेंगे आएगा कितना, 27 आएगा। कैसे सर आएगा, सारा बताइए ज़रा, 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, √3 का स्क्वायर किया 3 आया, 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 27 आएगा, प्लस आर स्क्वायर माइनस 6√3 आर, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, तो हो जाएगा 6√3 और आर। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि दोनों का सेम साइन है, दोनों इक्वल टू के अपोजिट साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में। 6√3 आर को जब आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6√3 आर इज इक्वल टू 36। आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई 36/6√3। ठीक है, 6 से काट दीजिए कितना हो जाएगा, 6/√3। ठीक है, इसको जब आप रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने पे आएगा क्या ज़रा देखिए, मैं आपको इसको तोड़ के बताता हूँ। ठीक है, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 2 × 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। ठीक है, अपॉन में √3 ऑलरेडी मौजूद है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, 2√3 सेंटीमीटर। ये आपके किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी आ गई इस सर्कल का रेडियस। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं कितना आसान है, आसान तो नहीं है लेकिन कंसेप्चुअल है। ठीक है, चलिए आप इसका फटाक से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, एम इज अ पॉइंट इन ए बी सच दैट ए एम इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड एम बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट कॉर्ड थ्रू एम। स्टूडेंट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार इसका डायग्राम नहीं दिया तो आपको सोच के पहले डायग्राम बनाना होगा। देखिए डायग्राम बनाएंगे कैसे, कह रहा है ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एम इज अ पॉइंट इन ए बी, कह रहा है ए बी एक डायमीटर है सर्कल का और उसी डायमीटर पे यानी ए बी पे ही एक पॉइंट है एम। तो चलिए पहले इसको बना लेते हैं, आप पहले क्या करेंगे, साइड में आपने एक सर्किल बनाया, ये सेंटर है, सेंटर से होते हुए ही डायमीटर जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है, ये आपका ए बी हो गया और इसी पे एक पॉइंट यहाँ पे कोई हम एम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, और एम के थ्रू जो सबसे शॉर्टेस्ट कॉर्ड होगी उसी की लेंथ पता लगानी है। ठीक है, तो एम के थ्रू हम एक शॉर्टेस्ट कॉर्ड बना लेते हैं, ऐसे कुछ जाएगी, इसको आप सी डी नाम दे दीजिए। ठीक है, और सेंटर को क्या नाम देंगे, सेंटर को आप ओ नाम देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझिएगा, आपको पता किसकी करनी है, आपको सी डी की वैल्यू पता करनी है, किसकी वैल्यू पता करनी है, सी डी की वैल्यू। आपको ए एम पूरा दिया हुआ है, ए एम कितना दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक बताइए, कितना दिया है, 18 दिया है,
18 सेंटीमीटर दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, और एम बी की वैल्यू भी दे दी है। एम बी की वैल्यू कितनी दी है? 8। कितनी दी है? 8। अच्छा एक बात बताइए, आपको ए एम दिया है और एम बी दिया है, आप अगर दोनों को जोड़ दें तो आपको ए बी पता नहीं चल जाएगा, यानी कि डायमीटर पता चल जाएगा, और अगर वहाँ डायमीटर पता चल गया तो वहाँ से हम रेडियस भी पता लगा सकते हैं। ये भी तो बात है ना, अगर डायमीटर पता चल गया तो वहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं? रेडियस भी पता लगा सकते हैं। पहले इतना सा काम करिए फिर बताता हूँ। सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एम प्लस एम बी हो जाएगा। ए एम आपको कितना दिया है ज़रा बताइए, ए एम आपको कितना दिया है? ए एम आपको कितना दिया है? ए एम आपको दिया है 18। एम बी कितना दिया है? 8 दिया है। तो यहाँ से आपकी ए बी कितना आ गया? ए बी आ गया आपका 18 और 8 मिलकर 26 आ जाएगा। ए बी आपका डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का आधा यानी ए बी का आधा, तो हो जाएगा 26/2। कितना आएगा? रेडियस हो गए 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? एक बात और करिए, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना? अच्छा, अब आप क्या करेंगे समझिएगा, अब आप ओडी को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ओडी, आप ओडी को क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, एक बात और समझिएगा, ओ एक सेंटर से लाइन जा रही है जो सी डी कॉर्ड को पे ड्रॉप हो रही है, तो जाहिर सी बात ये क्या हो जाएगा आपका? ये 90 डिग्री पे ही होगा। थ्योरम 2 याद करिए, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, जो मैंने आपको इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है ना, लगातार वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगी, बीच बीच से उठा के देखेंगे तो नहीं आएगी, या तो आपको कंसेप्ट सारे पता होने चाहिए। अगर हम सेंटर से कभी भी किसी कॉर्ड पे कोई लाइन ड्रॉप करते हैं तो वो हमेशा क्या होती है? 90 डिग्री पे बनती है। ठीक है, अच्छा आपने ओडी को ज्वाइन कर दिया, अब इसके बाद देखिए, अब समझिएगा थोड़ा, ओबी आपका है क्या? व्हाट इज योर ओबी? ओबी आपका रेडियस है ना, ओबी आपका क्या है? रेडियस है। ओबी ओबी रेडियस है ना ओडी की तरह। क्यों रेडियस है? भैया सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी रेडियस कहलाती है, या सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, जिसको जो भाषा आती हो उसमें समझ सकता है, दूरी मतलब डिस्टेंस। ओबी को आप लिख क्या सकते हैं? ओ एम प्लस एम बी लिख सकते हैं। ओबी को आप क्या लिख सकते हैं? ओ एम प्लस एम बी लिखा जा सकता है। ओबी आपका रेडियस है, ओ एम आपका नहीं पता है, एम बी आपको पता है, कितना दिया है? 8 दिया है। तो यहाँ से आप ओ एम भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? आर माइनस 8। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? सीधा सीधा है, प्लस 8 को जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो माइनस 8 हो गया। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ डी एम, कौन सा? ओ डी एम बाय पी टी, पी टी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा ज़रा देखिए, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि ओ डी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया। आर सॉरी बी, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम डी होगा, तो ये हो जाएगा एम डी का स्क्वायर प्लस प्लस, ये कितना हो जाएगा आपका पी परपेंडिकुलर क्या यहाँ पे क्या होगा? ओ एम होगा, ओ एम का स्क्वायर। आप समझते चलिएगा, ओ डी आपका क्या है? रेडियस है, रेडियस आपने अभी निकाला था, कितना है? 13 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू एम डी। एम डी आपको निकालना है, उसका डबल करेंगे तभी आपको सी डी पता चलेगा, जो हमसे क्वेश्चन में कहा है। ओ एम कितना दिया है? आर माइनस 8 दिया है। ओ एम देखिए आर माइनस 8 दिया है, आर की वैल्यू तो हमें पता है ना 13, तो यहाँ पे आप 13 - 8 कर दीजिए, इज इक्वल टू ओ एम हो जाएगा। ओ एम कितना आएगा? 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5, 5 सेंटीमीटर ओ एम आ जाएगा। तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई? 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, 5 के स्क्वायर को जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो -25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। एम डी का स्क्वायर माइनस किया 144 आया, एम डी के ऊपर से स्क्वायर हटा, 144 पे अंडर रूट लग गया, तो एम डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो हो गया 12 सेंटीमीटर। आपको सी डी की वैल्यू पता करनी है, सी डी एक कॉर्ड है, तो आप क्या करेंगे? एम डी का डबल कर देंगे, ये तो आप करते हुए आ ही हैं। ठीक है, थ्योरम 1 में मैंने बताया था,
टू इंटू 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपसे जो है सीडी की लेंथ पूछ रहा था, आपने सीडी की लेंथ बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना चाहें लिख लें। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, थोड़ा समझेंगे इस बात को। कह रहा है रेक्टेंगल विद वन साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इस बार सर्किल के अंदर रेक्टेंगल बना हुआ है, पहले इस बात को अंजाम देंगे यानी फिगर बनाएंगे इसका। बना लीजिए, इसका सेंटर ओ है, ठीक है। क्या बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। रेक्टेंगल है समझिएगा, 90-90 डिग्री का है, वो थोड़ा तिरछा बन गया है लेकिन ये रेक्टेंगल ही है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। एक साइड कितनी दी हुई है, 4। ए बी मान लीजिए 4 दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ सर्किल का, 5 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब क्या होगा, एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होते हुए गुजरेगी, तो ये लीजिए ये आपकी डायमीटर हो गई। ये आपका 90 डिग्री होता है वर्टेक्स एंगल, सारे ही कितने होंगे 90 डिग्री के, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के। ए बी आपको कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ए सी नहीं दिया था, क्वेश्चन में डायमीटर दिया था, लेकिन जब हमने देखा कि ए सी ही तो डायमीटर है, ठीक है। अच्छा अगर आप ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो आप बी सी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। कर दीजिए सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पी टी, पी टी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होता है ज़रा देखिए, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड यानी कि ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। बेस क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। प्लस पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि बी सी का स्क्वायर। ए सी आपका कितना है, 5 का स्क्वायर है। ए बी कितना है आपका, 4 का स्क्वायर है, और प्लस बी सी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर आ जाएगा। 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा, बी सी पे से स्क्वायर हटेगा, 9 पे अंडर रूट लग जाएगा, आंसर कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब आपसे एरिया पूछ रहा है, एरिया होता क्या है, यहाँ पर देखिए एरिया होता क्या है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का। लेंथ आपको ए बी दी है, ब्रेथ कितनी दी है आपको, बी सी दिया हुआ है, ठीक है। ए बी आपका कितना है, 4 है, बी सी आपने अभी निकाला कितना है, 3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 12। एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर, जो भी यूनिट दी है उसकी सेंटीमीटर पर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देख सकते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान था स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप ये तीनों काम नहीं भी करते हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बनाता रहूँगा वीडियोस, लेकिन इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा जो कोचिंग के पैसों को नहीं दे सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।